अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलफाम हुसैन है और आज स्टूडेंट्स हम करेंगे जी प्रॉब्लम नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3। चलिए जी स्टार्ट करें। दी कंपनी ए अक्वायर्ड 80% स्टॉक ऑफ कंपनी बी एंड सी ऑन जुलाई 1। कब अक्वायर करिए? जुलाई 1, 1966। 75,000 बी के लिए और 120,000 रिस्पेक्टिवली सी के लिए। अच्छा जी, कैपिटल स्टॉक आउटस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्सिडरी 1 लाख, दोनों का कैपिटल स्टॉक 1 लाख से है। रिटेन अर्निंग चेंज फॉर दी कंपनी वार एज फॉलोज। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग दी हुई है डेफिसिट जनवरी 1, 1966 20,000 डेफिसिट है और इसका 30,000 पॉजिटिव डिविडेंड है। बी का कोई डिविडेंड नहीं है, सी का डिविडेंड है 5,000। उसके बाद नेट लॉस और इनकम है, बी का नेट लॉस है 10,000 और इनकम है 30,000 सी की। उसके बाद डिविडेंड अप्रैल 1, 1967 को दिया हुआ है जी। बी ने कोई आया डिविडेंड पे नहीं किया और सी ने फिर पे किया 5,000 से। उसके बाद नेट लॉस है वो सी का है और बी का नेट इनकम है। अच्छा जी, अच्छा इसमें देखते हैं रिक्वायरमेंट। दी पेरेंट कंपनी कैरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन इक्विटी बेसिस, इक्विटी बेसिस पर कैरी कर रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट एलिमिनेशन वुड बी मेड इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर इन ऑन जुलाई 1966। अच्छा जी, उसने इसमें पूछा है जी एलिमिनेशन की एंट्री बतानी है आपने कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर के लिए क्या होगी। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। व्हाट एंट्री वुड बी मेड इन दी बुक ऑफ पेरेंट फॉर 1966 एंड 1967, दोनों ईयर की एंट्री क्या होगी दोनों की बुक में। अच्छा जी, इसके बाद जी व्हाट एलिमिनेशन वुड बी मेड प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर ऑन दिसंबर 31, 1967 को कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर की एलिमिनेशन एंट्री क्या होगी। पीछे वाली 66 की थी जुलाई 1 को। और व्हाट कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू विल अपीयर इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस। चलिए जी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यह है जी एक्सरसाइज नंबर 3, चैप्टर 11। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम रिटेन अर्निंग फाइंड करेंगे दोनों कंपनीज की। सबसे पहले क्या जी रिटेन अर्निंग फाइंड करेंगे। रिटेन अर्निंग कंपनी ए, सबसे पहले कंपनी बी और कंपनी सी, ठीक हो गया जी। रिटेन अर्निंग के लिए सबसे पहले जी रिटेन अर्निंग ऑन जुलाई 1 ओपनिंग रिटेन अर्निंग, छियासठ के लिए बना रहे हैं। जुलाई 1 नहीं, इधर जनवरी आना है। जनवरी 1 को कितनी थी, ठीक हो गया जी। रिटेन अर्निंग कितनी थी जी इसकी, 20,000 थी, वो भी डेफिसिट में, सॉरी 20,000। उसके बाद जी उसकी सी की कितनी, 30,000 और लेस करते हैं डिविडेंड। इसका कुछ भी नहीं है, इसका 5,000 है सी का। अच्छा जी, और इसमें से लेस करते हैं जी, ऐड करते हैं नेट इनकम। जुलाई 1, 1966 टोटल कितनी है जी, इसका नेट लॉस है
10th हो गए ना, उसका 6 और 12 करेंगे, 6 माह का है तो ये आएगा 5,000। ये भी डेफिसिट है, टोटल 25,000 डेफिसिट में। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे देखते हैं, ये टोटल हो गया जी इसका 25,000, रह गया बाकी 5,000 लेस किया इसमें 5,000। अच्छा जी, अब रिटेन अर्निंग इसकी कितनी है जी? नेट इनकम 30,000 है, 30,000 का 6/12 लिया तो 15,000 वो इसमें ऐड करेंगे तो 14,000। अच्छा जी, अब एलिमिनेशन एंट्री क्या होगी जी? जो रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल स्टॉक डेबिट, ये कंपनी बी की पहले करते हैं, कंपनी बी के लिए कैपिटल स्टॉक डेबिट कितने से है जी? 1 लाख से। उसके बाद रिटेन अर्निंग हमारी डेफिसिट है, डेफिसिट को डेबिट होती है, उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट कितने से है? 25, सॉरी इसका लेंगे 80%, ऑनरशिप इंटरेस्ट 80%, इसका भी 80% और 25,000 का 80%, 20,000। और उसके बाद जी क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, इतने से जी बा इनका जो डिफरेंस होगा रिमेनिंग, ये 80,000 है, ये 60,000 आ गया। अच्छा, अब सी की क्या होगी जी? एलिमिनेशन, कैपिटल डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितने से? 1 लाख, और 1 लाख का 80%, 80,000, और रिटेन अर्निंग कितने से? 40,000, 40,000 का 80%, 32,000 टोटल किया तो 1,12,000। ठीक हो गया जी, इन्वेस्टमेंट कितने से? 1,12,000। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसका क्या करना है जी? बी पार्ट में कैलकुलेट करना है जी, व्हाट वुड बी मेड ऑन द बुक ऑफ पेरेंट फॉर 1966 एंड 1967। एंट्री क्या इनकी होगी जी? 1966 एंड 1967 की बुक में। अच्छा जी स्टूडेंट, पहले हम करेंगे 1966 की एंट्री। अच्छा जी, 1966 में नेट नेट लॉस हो रहा है, इसकी एंट्री होगी। बी की बुक में लॉस फ्रॉम बीज कंपनी अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट कितने से जी? लास्ट कितना है? 10,000। उसका 6/12 किया और मल्टीप्लाई परसेंटेज कितनी है? 80%। पाँच हज़ार का 80%, 8×5=40, 4,000, और इसका भी 4,000। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सी कंपनी की एंट्री है,
ये कंपनी बी की थी बुक में और सी की बुक में क्या होगी कैपिटल, सॉरी उसमें क्या आ रहा जी नेट इनकम की आ रही है। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी स्टॉक ऑन डेबिट इनकम फ्रॉम सब्सिडरी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट की एंट्री जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सब्सिडरी का नाम लेके इनकम फ्रॉम सब्सिडरी, सी कंपनी कितने से जी इनकम कितनी है 30,000 उसका 6/12 मल्टीप्लाई 80 15,000 का 80% 12,000। चलिए स्टूडेंट अच्छा जी अगले साल करेंगे जी हम इसमें सही स्टूडेंट नेक्स्ट करेंगे 1967 की 1967 में जी क्या एंट्री होगी नेट इनकम अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम बीज कंपनी इनकम कितनी है जी 15,000 है। अब इसका 6/12 में नहीं लोगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इन्वेस्टमेंट अब पूरे साल की है। ठीक हो गया जी इसका 80% 12,000 और इसका 80% 12,000। अच्छा जी ये बी कंपनी थी और ये सी कंपनी, सी कंपनी क्या अगर लॉस फ्रॉम सी कंपनी के बाद जी इन्वेस्टमेंट इन सी कंपनी अच्छा जी लॉस कितने से है 10,000 इसका 80% 8,000 और इसका भी 8,000। अच्छा जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं जी रिक्वायरमेंट सी, सी में क्या कह रहा है जी वट वुड बी लेमिनेशन मेड इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर 31 दिसंबर 1967 को वर्किंग पेपर के साथ कंसोलिडेटेड क्या होगी जी। अच्छा जी क्या होगी कंपनी बी ये सी पार्ट है और ये बी था। अच्छा जी वही एंट्री पास होगी कैपिटल स्टॉक अकाउंट डेबिट रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट क्योंकि डेफिसिट है तो क्रेडिट होगी ये जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम रिपीट हो रही है एंट्री जी वही 80,000 और इसका 20,000 और इसमें रिटेन अर्निंग का थोड़ा डिफरेंट है रिटेन अर्निंग आप कितने से है 15,000 का 80% लेंगे 12,000 और इन्वेस्टमेंट कितने 68,000 डिफरेंट जो इनका होगा ये हो गया बी कंपनी का। अब कंपनी सी इसका फाइंड करते हैं कैपिटल डेबिट रिटेन अर्निंग
डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कैपिटल कितने से जी? 1 लाख का 80%, 80,000। रिटेन अर्निंग कितने से जी? 40,000, 40,000 का 80%। टोटल 1,10,000 से ये लैमिनेशन खत्म होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें पार्ट डी में क्या करना है जी? आपने बताना है एक्सेस ऑफ कास्ट आर बुक वैल्यू है, एक्सेस ऑफ कास्ट है या एक्सेस ऑफ बुक है। अच्छा जी स्टूडेंट, इधर आपने बताना है डी पार्ट में। एक्सेस ऑफ कास्ट और बुक वाली सही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? कंपनी बी, कंपनी सी। अच्छा जी स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है पहले की? ये दी हुई है जी, एक की 75,000 और एक की 1,20,000। 75,000 और 1,20,000। अच्छा जी स्टूडेंट, अब इसमें लेस करेंगे बुक वैल्यू। अच्छा जी, ये कैपिटल स्टॉक बार रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग हमेशा इसमें ओपनिंग बैलेंस आता है। जब भी एक्सेस ऑफ आपने कॉस्ट करनी है, इसमें हमेशा ओपनिंग है। ओपनिंग हमारे पास रिटेन अर्निंग, ओपनिंग में हमने कितनी फाइंड की थी? ये 25,000। इतनी जी 25,000 के ओपनिंग, 25,000 का हम 80% लेंगे। ओहो सॉरी, इसका 1,00,000 और इसका 25,000 जो हमने ए पार्ट में किया थी, ए पार्ट वाला, ठीक हो गया। तो ऐड किया 1,25,000 और इसका 80%, कितना जी? 60,000। इसको लेस किया तो 15,000। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ये बी का था, नेक्स्ट अब सी का करते हैं। कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगला 20,000। कैपिटल कितने से जी? 1,00,000 से। और रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आप फाइन कीजिए। सही, रिटेन अर्निंग आप दूसरे तरीके से फाइंड करनी। रिटेन अर्निंग इसमें हम फाइंड करेंगे जी, जो हमने पहले की थी वही कर लेते हैं या फिर इधर से दोबारा करते। 30,000 ओपनिंग जो हमने की थी, 40,000 वही लिखेंगे जी, जो हमने फर्स्ट पेज पे ये 40,000 रिटेन अर्निंग फाइंड की थी यही इधर पुट करेंगे। 40,000 का टोटल किया 140 और इसका 80%।
140 का 80%, 1,12,000, 1,12,000 लेस किया तो 8,000, ये एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू आ गया जी। 1 का 15,000 एक्सेस ऑफ कॉस्ट अवर बुक वैल्यू है, ये एक्सेस ऑफ कॉस्ट है और वो एक्सेस ऑफ, वो भी एक्सेस ऑफ कॉस्ट है, दोनों एक्सेस ऑफ कॉस्ट आए। लो जी स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।